कबीर साहब की पंक्ति है कि कैसी गति संसार की ज्यो गाडर की ठाट, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। गाडर समझ रहे हैं भेड़, भेड़ का, भेड़ की प्रवृत्ति जानते हैं, भेड़ का स्वभाव। एक स्कूल था, वहाँ टीचर ने एक प्रश्न किया बच्चों से, ये बताओ कि एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था, 50 भेड़े थी उनके पास, एक भेड़ नदी में कूद गए, एक भेड़ नदी में कूद गई। अच्छा ये बताओ अब गड़रिया के पास कितने भेड़ है, कितने होंगे? 50 में एक कम, कितने होंगे? 49। सभी बच्चे यही कह रहे थे जैसे आप लोग कह रहे थे। एक बच्चा ने कहा कि नहीं, सब गलत उत्तर दे रहे हैं। अच्छा तुम ही बता दो। कहा देखिए सर, ये लोग गणित के नियम जानते हैं और मैं भेड़ का स्वभाव जानता हूँ, एक जब कूदेंगे ना तो एक भी भेड़ नहीं बचेंगे, सब कूद जाएंगे वहाँ। ये नियम है, ये नियम है भेड़ का। ऐसे ही लोग देखते हैं कि वो आदमी कर रहा है, अरे चलो हम भी कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। एक संस्मरण ख्याल आया, अयोध्या आश्रम में था, वहाँ से इलाहाबाद आश्रम आ रहा था, तो संजोग ऐसा उस दिन मकर संक्रांति का पर्व था और इलाहाबाद के गंगा यमुना के तट पर, प्रयागराज के गंगा यमुना के तट पर मेला लगता है, कुंभ मेला का नाम तो सुने ही होंगे, हो सकता है आप लोग गए भी हों। तो जैसे कुंभ मेला में छावनियाँ लगती हैं, सत्संग पंडाल होता है, तीर्थयात्री आते हैं, कल्पवासी रहते हैं, गंगा स्नान होता है, वैसे ही माघ के महीने में हर साल मेला लगता है, हर साल सरकार उसकी व्यवस्था करती है। तो पर्व होते हैं, अब पर्व के दिन गंगा में स्नान होता है, संगम में स्नान होता है, तो एक पर्व संक्रांति भी है। मुझे तो पता नहीं था कि संक्रांति में लोग गंगा नहाने जाते हैं, क्या है। और मैं जो बता रहा हूँ ना, आज से 30-32 साल पहले की बात तो है, तब तो मैं भी छोटा था, मुझे पता भी नहीं था इन सब के बारे में। अब बाद में तो फिर न जाने कितनी बार हम ही लोग खुद वहाँ गंगा के तट पर निवास करते थे, कैंप लगा करके रहते थे, ये बात की बात है। लेकिन पहले तो आ रहा था मैं अयोध्या फैजाबाद में बैठा और इलाहाबाद आ रहा था, तो कुछ दूर, जब काफ़ी दूर चल पड़े तो स्टेशन, बड़े छोटे स्टेशन पड़ते हैं, एक सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के बाद लगभग चले तो बहुत से यात्री बैठते थे, वे लोग कहते थे अच्छा महाराज जी आप संक्रांति नहाने जा रहे हैं, गंगा नहाने? नहीं भाई, तो आश्रम है वहाँ इलाहाबाद में, मत आश्रम जा रहा हूँ। अच्छा वो उतर गए, कोई दूसरा बैठा, अच्छा महाराज गंगा नहाने जा रहे हैं? नहीं भाई। तो जो आते नए यात्री कपड़ा साधु का देखते, सोचते संक्रांति नहाने जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। तो फिर कई लोग जब पूछे तो मैंने लोगों से पूछा अच्छा बताओ संक्रांति में गंगा नहाते ही क्यों है, आप लोग तो जा रहे हैं? हाँ हम लोग तो जा रहे हैं गंगा नहाने, क्यों नहाते हैं? चुप, पता नहीं महाराज, सब लोग नहाते हैं इसलिए हम लोग भी नहाते हैं। समझ रहे ना क्या कहे, सब लोग नहाते हैं इसलिए हम भी नहाते हैं। मैंने कहा आप लोग यदि बताओ कारण और मुझे समझ में आए तो मैं भी नहा लूं, लेकिन आप लोग ही नहीं जान रहे तो कैसे बनेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, सत्संग क्यों कर रहे हैं, सब लोग करते हैं इसलिए हम भी कर लेंगे। तो फिर वो मजा नहीं आएगा, सही है ना। रीजन साफ होना चाहिए, जीवन में सत्संग की आवश्यकता, इसके बिना भी जीवन चलेगा, इसके बिना भी कोई सत्संग न करे तो जीवन नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। कैसे? जैसे जीवन को चलाना है अर्थात जीवन जीना है तो
सबसे पहली जरूरत क्या है? भोजन। भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। भोजन के बाद में कपड़े, और कपड़े के बाद में मकान। सुने होंगे ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स हैं ये, प्रारंभिक ये चाहिए। फिर और चाहिए, लेकिन प्रारंभ में चाहिए भोजन। तो इन सब चीजों को पाने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है। भोजन चाहिए, कमाएगा तब तो मेहनत करता है। कपड़े चाहिए, अपने ही केवल नहीं है, परिवार के सदस्य भी हैं। तो इन सब के पालन पोषण कैसा लगेगा? सलवटों से भरा हुआ, सिकन से भरा हुआ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, आपने क्या किया? दूसरा काम, कपड़े उतार के लाए, फिर उसको प्रेस किए, सुंदर सा न भी प्रेस किए तो बढ़िया से उसको फोल्ड किए, तह किए, और स्टेप बाय स्टेप रखे, और कपड़ों के प्रकार के हिसाब से रखे और प्रेस कर दिए। और उसके बाद जब पहनेंगे कपड़े को, आपको कैसा महसूस होगा? कपड़े तो भाई है भाई, आज क्यों अच्छा लग रहा है? कुछ काम किया गया उसमें, सही है ना? उन कपड़ों में कुछ काम किया गया है। ऐसे ही वह जीवन जिसमें कुछ काम किया गया है, जिस पर ध्यान दिया गया है, जिस पे एक सिस्टम दिया गया है, कि व्यवस्था दी गई है, ध्यान दीजिए। सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। सत्संग का मतलब है हमें एक व्यवस्था सिखाए, मतलब जो है उसे व्यवस्थित करें, जो है उसमें सुंदर सिस्टम दे दें। और जब किसी काम को सिस्टम दिया जाता है तो रिजल्ट बढ़िया आता है। इसीलिए आजकल पढ़ाई होती है मैनेजमेंट, MBA कहते हैं ना। ख्याल आता है, राजस्थान में था, शाम के समय एक घर में भोजन के लिए बुलाए थे, तो हम लोग भोजन बन ही गया था, गए बैठे, घर के लोग आए, जैसे आते हैं बैठते, बंदगी करते हैं वैसे बैठे। तो घर की बिटिया थी, मैंने पूछा, बेटी क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं MBA कर रही हूँ साहब। अच्छा, MBA का मतलब है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही? हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दो, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बता दो। चुप। मैंने कहा, अच्छा तो आप केवल उसकी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ करके आप किसी कंपनी का मैनेज करो, किसी ऑफिस का मैनेज करो, किसी अस्पताल का मैनेज करो, जीवन का मैनेज, उसकी पढ़ाई कब होगी? कितने लोग करते हैं लाइफ मैनेजमेंट? कम लोग ध्यान देते हैं ना, मेरा जीवन कैसा हो, बहुत कम लोग सोचते हैं ना। इन बातों को स्कूल में पढ़ाई जाती है ना, घर वाले बताते हैं। घर वाले और स्कूल वालों की चिंता क्या है? बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे पाए, सही है? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा नंबर क्यों? ताकि बड़ी नौकरी मिले। बड़ी नौकरी क्यों चाहिए? ताकि ज्यादा पैसा मिले। अच्छा, ज्यादा पैसा क्यों? ताकि बड़ा मकान बने, बड़ी गाड़ी आए, कीमती कपड़े आए। मैं कई बार कहता हूँ, अच्छा वो सब हो गया, आपको बड़ी नौकरी मिल गई, ज्यादा पैसे मिलने लग गए, बड़ा मकान भी बना लिए, बड़ी गाड़ी आ गई, कीमती कपड़े हो गए, और आपके भी बच्चे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ने लग गए। अब क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे? तब तो सुख शांति का जीवन जीऊंगा। और मैं क्या कहता हूँ अंतिम में जो बोले हो ना, सुख शांति का जीवन जीऊंगा, पूरे जीवन में केवल वही बाकी रहेगा, बाकी सब होगा। मैं सच कह रहा हूँ, एनालिसिस कर लो ना, आसपास देख लो। क्यों? लोग जीने में इतने व्यस्त हैं कि कैसे जीना चाहिए इसकी खोज ही नहीं है, इसकी चिंता ही नहीं है। चाहे जैसा हो, चाहे मन में धुआं हो, मन में उफान मच रहा हो, मन अशांत हो, क्लांत हो, बीमारी से घिरा हुआ हो, ऐश्वर्य चाहिए। क्या करोगे ऐश्वर्य को? क्या करोगे? बहुत बड़ा घर, सारी सुविधाओं से संपन्न, लेकिन पति और पत्नी में विवाद है, भाई भाई में संघर्ष है, पिता पुत्र में अनबन है,
मकान सुख देगा, बड़ी गाड़ी सुख देगी, कीमती कपड़े काम आएंगे, कीमती भोजन कोई काम का है। मन जल रहा है, इसके बारे में सोचा है कभी? यह भी शांत होना चाहिए। हमारे रिश्ते में मधुरता आए, पति पत्नी के बीच का संबंध, भाई भाई के बीच का संबंध, पिता पुत्र के बीच का संबंध, सास बहु के संबंध, देवरान जेठान का संबंध कैसे होना चाहिए? देखो, आप अभी यदि कोई आनंद से हैं, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? आपको अच्छा लग रहा है ना घर में, इसका मतलब है आप जिन लोगों के बीच हो उनके साथ में संबंध अच्छे हैं। यदि आपकी पत्नी या आपके पति नाराज चल रहे हैं, दुखी और अशांत हैं, मैं बताऊं बहुत देर नहीं होगा आपको परेशान होने में, क्योंकि जीवन साथी ही किसी बात को लेकर क्लांत हो, आप कब तक सुखी रहेंगे? आपको प्रसन्न रखने के लिए घर वालों को भी प्रसन्न बनाए रखना है, नहीं तो करके देख लो, करना तो अच्छा नहीं है, घर वालों को दुखी कर दो। और आप, मैंने पढ़ा या सुना है कि शायद कोई देवदूत या कोई आया, उसने कहा जैसे राष्ट्रपति को, कहानी है, कहा कि मेरे पास एक औषधि है, इसे आप लें तो आप बहुत आनंदित हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक दवाई और है, दो है, उसमें क्या होगा? इसे आप यदि खाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप दुखी और अशांत हो जाएंगे, लेकिन आपके पूरे देश में खुशियां बढ़ जाएंगी, आसपास के लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सी दवाई खाना चाहेंगे? जिसमें केवल आप खुश हों या फिर आसपास के लोग? आसपास के लोग, सही है ना? क्यों? उसने कहा कि नहीं, वो जिससे सब खुश हो जाएं, क्योंकि मैं यदि केवल अकेले खुश रहूं तो बाकी लोग दुखी रहेंगे, तो मेरी खुशी बहुत देर तक नहीं टिकेगी। लेकिन आसपास के लोग यदि प्रसन्न हैं तो मेरा दुख बहुत देर तक नहीं टिका रहेगा, मेरा भी वही स्तर पहुंच जाएगा। एक ख्याल आया, शायद ये अफ्रीका की एक बात है। एक आदमी था, वो बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे। उसने आकर कहा कि देखो बच्चों, वो जो एक पेड़ दिख रहा है यहाँ से 100 मीटर पर, उस पेड़ के पास में मैं बिल्कुल वही पेड़ के पास में एक टोकरी रखी है, जहाँ पर जिसमें मिठाइयाँ रखी हुई हैं, और आप बच्चों में से जो पहले पहुँचेगा मिठाई उसकी होगी। कई बच्चे थे। अच्छा बताओ कैसे किए होंगे बच्चे लोग? बताओ, दौड़े होंगे ना? और मैं बताऊं, दौड़े तो सही, लेकिन कैसे दौड़े? ताकि मैं अकेले जाऊं और मिठाई खा जाऊं। वे बच्चे क्या किए? सभी एक दूसरे के हाथ पकड़े, सभी एक दूसरे के हाथ, एक साथ दौड़े और एक साथ पहुंचे। एक साथ कोई जीता नहीं, सब एक साथ पहुंच गए और सब लोग मिठाई बांट कर खाए। ये भी आदमी पहुंचा, अरे ये क्या किया तुमने, क्यों ऐसा किया? उसने क्या कहा बच्चों ने? उबंतु, एक शब्द बोला उबंतु। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि हम केवल सुखी हों, बाकी लोग दुखी हों, इसका कोई मतलब नहीं है। हम सभी साथ साथ जीतेंगे और साथ साथ मिठाई बांट, इक्वल सबको बांट करके खाए। कौन वाला अच्छा लगा? कौन वाला अच्छा लगा? ये बात समझ में आ रही है ना? कितना साफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल भौतिक वस्तुओं की वृद्धि में ही न लगे। मेरा कहने का भाव यह नहीं है कि आप भौतिक उपलब्धि के नजरअंदाज करें, नहीं। मैं कई बार सत्संग में बात कहा करता हूं,
हमारी दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, दो प्रकार की नीड्स कौन कौन सी हैं? एक है जो दृश्य है, दूसरा अदृश्य, विजुअल एंड इनविजुअल। एक जो दिखाई देती है वो हमारी आवश्यकता है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, गाड़ी है, मोबाइल और बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई, जो भी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आसपास, ये हमारे दृश्य हैं और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। एक और है जो दिखाई नहीं देती, दिखाई वो भी उतनी ही जरूरत है उसकी भी, वो क्या है? वो है प्रेम, वो है विश्वास, वह है सम्मान, वह है करुणा, एक दूसरे का सहयोग का भाव, और वह है एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना, विनम्रता, शालीनता, धैर्य। ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये उतने ही जरूरी है जितना दिखाई देने वाली चीजें, इतना ही जरूरत है। आप कहेंगे और रोटी कपड़े मकान से तो जीवन चल जाएगा, लेकिन मैं बताऊं उतने मात्र से नहीं चलेगा। ईसा ने कहा है, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते आप। केवल आपको भोजन देते, अच्छा कल्पना करो एक बड़ा सा मकान हो, सारी सुविधाओं से संपन्न हो, और आपको कहा गया आप उस मकान में रहें, आपके खाने पीने सब की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, बस वहां आपके अलावा कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहेंगे, बस आप, केवल आप। और जो चौकीदार भी रहेगा ना, वो भी आपकी भाषा नहीं समझेगा, वो भी दूसरे प्रांत से उठा लाएंगे उनको, आपकी भाषा ही नहीं समझेगा, या तो उसको कोई चीनी आदमी होगा या जापानी होगा, आप बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो और आपको रहना है वहां कितने दिन तक रहेंगे पता है ना? खाने पीने की चीजें कमी नहीं है, आप कहेंगे इसी से जीवन चलता है, अरे नहीं भाई, केवल रोटी कपड़े मकान से तो शरीर चलता है बस, लेकिन केवल हम शरीर थोड़े हैं, हम भावनात्मक जीव हैं, हम भावनात्मक, हमारे भीतर में भावनाएं हैं, इमोशन स्वयं महसूस करते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं, हमारे अंतरात्मा हैं, उसे भी खुराक चाहिए। जैसे शरीर को खुराक चाहिए, ऐसे ही अंतरात्मा को भी खुराक चाहिए, और वो नहीं मिलेगा ना तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए आप ये देखें, आप घर वालों का केवल वस्तुएं तो दे करके उनका फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं, खाने के दे दिए, जैसे पति और पत्नी हो या माता पिता ही क्यों ना हो, आप उनको भोजन दे दिए, कपड़े दे दिए, और रहने की जगह ही सारी सुविधाएं कर दिए, और यहाँ तक के अपने जीवन साथी के लिए आप सोने चांदी के गहने भी बना दिए, लेकिन उनके पास बैठने का आपके पास समय नहीं है, उनसे बातचीत करने का समय नहीं है, सही है, उनके दुख सुख को सुनने का समय ही नहीं है, उनको समय ही नहीं दे पाते हैं, माता पिता के पास बैठने का अवसर ही नहीं है आपके पास में, और कभी बात भी होती तो आप थोड़ा से रुखरे शब्दों में इग्नोर करते हैं उनकी बातों को, नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपको लगता है आप जो वस्तु दे रहे हैं उससे प्रेम पनपेगा? आप जो वस्तु दे रहे हैं इससे प्रेम का विकास होगा? प्रेम मर जाएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। वहां पर आपका धन काम नहीं आएगा और आपकी विद्या भी काम आने वाली नहीं है। विद्या का मतलब जो स्कूली पढ़ाई किए हैं और वहां जाकर के बहुत सारी डिग्रियां पा लिए हैं, क्या वो काम आने वाला है? कभी कभी लड़के आते हैं, मैं कई बार कहता हूं लोगों से, तुम केवल स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, और स्कूल की पढ़ाई करोगे, स्कूल की परीक्षा पास कर लोगे, जीवन की पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे। और बहुत से लोग हैं
स्कूल की परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जीवन की पढ़ाई, मैंने कहा ना, न तो स्कूल में पढ़ाई जाती है, न घर वाले पढ़ाते हैं, न समाज में व्यवस्था है, कहीं व्यवस्था नहीं है। कैसे जीना है इसको सिखाया ही नहीं जाता है, नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है, शिक्षकों की तो है, कितने शिक्षक निभाते हैं ये तो वो जाने। माता पिता और घर वालों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ाएं, उसे ऐसी बात बताएं, ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका जीवन सुखमय हो। एक अच्छे इंसान के रूप में बच्चों को डेवलप करिए आप। मैं कई बार कहता हूं कि माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। क्या उनको सिखा रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। यहाँ तक के बच्चे बड़े हो गए फिर भी उनके कपड़े आप धो रहे हैं जो पहनते हैं, फिर भी उनके बिस्तर को ठीक कर रहे हैं, फिर भी उनके कमरे की सफाई कर रहे हैं, फिर भी उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं, फिर भी उनका सामान खो गया तो आप ही खोज रहे हैं। आप अपाहिज क्यों बना रहे हैं उनको? है ना, आप उसको इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको जिम्मेदारी सौंपिए। ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करना है, ये तुम करो, तुम अपने कमरे की सफाई करो, तुम अपने बिस्तर को ठीक करो, तुम अपने कपड़े जो पहनते हो खुद धो, ये जिम्मेदारी, अपना अपनी आलमारी ठीक करो। कौन बताएगा? आप उसको प्रशिक्षित ही नहीं कर रहे हैं, न लड़कों को लड़की को, कैसे काम बनेगा? यही तो मैनेजमेंट है भाई, यही तो प्रबंधन है, सिखाया नहीं जा रहा है जीवन के बारे में। तो ये बात जो मैं कह रहा था, कोई बात मैं बताना चाहता था असल में जीवन के संबंध में, कि ये जो सिखाया जाता है ये हमें दिखाई देने वाली और दृश्य और अदृश्य, ईश्वर कह रहा था। तो जो अदृश्य चीजें हैं, जो दिखाई नहीं दे रही है, इसकी भी हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यकता है जितनी दिखाई देने वाली, और कई बार ज्यादा। आप क्या मानते हैं? कई बार ज्यादा कैसे? जरा सोचिए इस चीज को। आप भोजन करते हैं, सबसे पहली आवश्यकता यही भी, भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। हम मानते सब मानते हैं, साधु भी मानता है, भूखे भजन न होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, हम भी मानते हैं, सही है, हम भी मानते हैं, कैसे मानेंगे नहीं। आप घर में बुला लिए, दो दिन से घर में रोके हुए हैं और भोजन के लिए पूछे ही नहीं, कहें साहब प्रवचन करो, तो ठीक है, एक दिन तो बोल ही देंगे लास्ट शर्म में, अगले दिन अब क्या करेंगे, क्या होगा, भैया कुछ खाए को दो तभी तो बोल पाऊंगा, कितनी जरूरत है। लेकिन मैं एक बात पूछूं, भोजन आप दिन भर में कितनी बार करते हैं? दो बार, तीन बार मान के चलो। अच्छा, चार बार करने वाले हैं क्या यहाँ? पांच बार करने वाले शायद नहीं है, कभी कभी कोई करता हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर हमको क्या है, सुबह दोपहर शाम, आजकल लोग कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर, अरे न जाने फिर क्या करेंगे, फिर और स्नैक्स, हे भगवान, जैसे कोई बकरी बिल्कुल हर समय खाते जाते हैं। बहरहाल मैं तीन को मैं भी मानता हूँ, सुबह दोपहर शाम, इतना तो चलेगा। लेकिन उन तीन समयों में आपका भोजन को जो टाइम है वो कितना लगता है, वो कितना लगता है, तीनों समय मिला करके मान लो हम कैलकुलेशन करने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से 20-20 मिनट तीनों को दें, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर, 20 मिनट शाम को, कितना समय लगेंगे फिर? एक घंटा, 60 मिनट। आपको यदि 60 मिनट अर्थात 24 घंटे में एक घंटे के लिए एक घंटा भोजन मिल जाए तो बाकी समय भोजन की जरूरत नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, प्रेम कितने घंटे चाहिए? एक घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा, समझ रहे हैं ना? इसकी जरूरत कितने? 24 आवर्स। अच्छा कितने दिन? कितने दिन? 365 डेज। सही है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है, लेकिन सब चलेगा, दीपावली और होली के दिन ना भी दो प्रेम तो भी चलेगा। अरे भाई उसने तो ज्यादा चाहिए, सही है कि नहीं है? देखिए कोई गेफ नहीं, उसके लिए कोई संडे नहीं, मुझे रोज प्रेम चाहिए, रोज सम्मान चाहिए,
रोज विश्वास चाहिए, हर समय चाहिए। किसी के घर गए भोजन न दे तो चलेगा, लेकिन मीठे शब्दों में आदर किया तो मानो पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कभी कभी उदाहरण दिया करता हूँ, थोड़ा विनोदी है ये उदाहरण। एक आदमी काम करके आया और स्वाभाविक है मेहनत करके आया था, भूख भी लगी थी, तो अपने जीवन साथी से श्रीमती से उन्होंने कहा, अरे सुनो जी मुझे भूख लगी है, जरी भोजन जल्दी दो। पत्नी क्या कहती है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब सोचा कि शायद ना सुनी हो भाई, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है और क्या कह रही है, मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ। फिर उसने थोड़ा से आवाज बढ़ाया और कह रहा है, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। अब वो सुन तो ली थी पहले ही बार में, अब ये भी आवाज बढ़ाती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो बहुत ही धैर्यवान होगा, वही संभाल पाएगा, बाकी तो फायर हो जाएगा ना। क्योंकि एक तो भूख और इसमें ये। अब वो बेचारा इतना फायर हुआ, उसने कहा, ये तुम्हारे प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन चाहिए। पत्नी सुन लेती है, जाती ही किचन में थाली कटोरी लगा करके भोजन सजाती है, और वो जहाँ बैठे होता है आती है थाली लेकर के और सामने पटक देती, ले खाओ। स्वाद आएगा कि नहीं आएगा भोजन में, बताओ मुझे? लगेगा? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, भोजन तो वही है भाई। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, इज्जत की दो रोटी चाहिए। सही है ना, भोजन तो चाहिए लेकिन आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। सही है, केवल पेट भरने से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्या अपमान पूर्वक दिया गया है या प्रेम पूर्वक दिया गया है। समझ रहे हैं ना मेरे बात? वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या उन अदृश्य चीजों के लिए भी हम मेहनत करते हैं? ये महत्वपूर्ण है। क्या हमने प्रयास किया है कि मेरे भीतर का धैर्य बढ़े, मेरी सहनशीलता बढ़े, मेरे जीवन में प्रेम विकसित हो, मेरे में विनम्रता बढ़े, मेरे में क्षमा करने की शक्ति बढ़े? कितने लोग मेहनत करते हैं? शायद बहुत कम। और इसीलिए जीवन में हम वह नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं कर पाते हैं जो हमें कर लेना चाहिए, या कहना चाहिए जिसके लिए जीवन मिला है वो अनुभव हम अछूते रह जाते हैं। कल्पना करिए, जीवन का अंत समय आ गया और आ जाता है और आएगा। कभी आप ऐसा दृश्य देखे होंगे आपके रिश्तों में, गांव में, परिवार में। एक आदमी है, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कहा कि घर ले जाओ, सेवा करो, अब लाइलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है इन दवाइयों को ले जाओ और करो। और घर वालों से क्या बता दिया, ये दो दिन का मेहमान और है। सही है, दो दिन का। अब जब ये सूचना मिलती है तो परिवार के लोग आ जाते हैं, चलो भाई देखते हैं, गांव वाले भी मिलने आते, चलो भाई उनको मिल लेते हैं। तो वो आदमी बिस्तर पर लेटा है और चारों तरफ लोग खड़े हैं, घर के लोग, रिश्तेदार, मित्रगण, गांव के लोग खड़े हैं और आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, भैया कुछ देर का मेहमान और है। होता है ना जनरली, कुछ देर का मेहमान और है। अच्छा उसे भी महसूस हो रहा है, मैं कुछ ही देर और रहने वाला हूँ। ऐसी परिस्थिति में क्या महसूस करना चाहिए? उस समय मान लो वो दशा मेरी आने वाली है, आएगी, और जब मैं उस प्रकार बिस्तर पर लेटा दिया जाऊंगा और चारों तरफ खड़े होकर के लोग चर्चा करते रहेंगे, कुछ देर का मेहमान और है, और मेरे मुझे भी महसूस होता होगा कि सचमुच मैं कुछ देर और इस दुनिया में रहने वाला हूँ, उस समय मेरे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए मुझे? क्या समझ रहे इस चीज को? मेरी फीलिंग्स क्या हो? क्या ऐसा लगे कि जिसके लिए जीवन मिला था वह मैंने पूरा किया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, मैं जाने को तैयार हूं? पूर्णता महसूस हो रहा है
जाने के पहले या फिर अफसोस भरा समापन। हम में से कई लोग होंगे जिनके जीवन का अंत अफसोस भरा होगा। क्या कहता होगा? काश यदि मैं अपने जीवन को सुंदर बनाया होता, मन को निर्मल बनाया होता, अमुक आदमी से क्षमा मांग लिया होता, अमुक को क्षमा कर लिया होता, अपने माता पिता से ऐसे व्यवहार किया होता, घर वालों के प्रति धन्यवाद का भाव हुआ होता, कुछ अच्छा किया होता, और जिसको बढ़ाने के लिए मैंने अपने जीवन को खपाया वो कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। जिस धन को कमाया, जिसका विस्तार किया, वो सब यही रहने वाला है, और इन्हीं सब को प्राप्त करने मैंने अपने जीवन के बेशकीमती समय को खो दिया, जबकि उन्हीं समयों में मैं जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता था, वो मैंने नहीं किया। और तब अवसर नहीं रहेगा कि आप रीस्टार्ट कर सकें, क्योंकि बस अब तो मौत ने दस्तक दे दी है, और उस समय कोई चांस नहीं कि आप बच सकें। एक तो निहुर पांव पर बिनवय बिनत किए नहीं माने हो, अनचिन्हे किए न चिन्हारी सो कैसे पहचनबे हो। लोग विनती करते हैं कि कुछ देर के लिए और, कुछ देर के लिए और, अवसर ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। मैं कहता हूं आज अवसर है, कम से कम अभी तो मौत दूर है, पता नहीं कब आ जाए, कल आए परसों आए, लेकिन कब तक, जब तक ना आए हो, हम अपना वह भी काम करें जिसके लिए जीवन मिला है। नहीं तो एक समय आएगा उन सबको दे करके हम लौटा नहीं पाएंगे, लौटा नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, इसका सही उपयोग करें, जीवन को संवारें, जीवन को ठीक करें, और विनम्रता, शालीनता, इन सब चीजों को भी बढ़ाने का प्रयास करें। आप कर सकते हैं, सब में ये शक्ति है, सब में ये गुण है। तो बीच में जो बात याद आई थी कि ये बात आपके पास धन हो तो काम आने वाली नहीं है, बहुत बड़ी आप डिग्री प्राप्त कर गए हो तो भी काम आने वाली नहीं, वो बात मैं बताना चाहता था कि बच्चे जब आते हैं पढ़े लिखे, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनसे मैं कहा करता हूँ कि बताओ आप बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लिए पढ़ लिख करके, पीएचडी, डीफिल, एमफिल, और आजकल नए नए जो डिग्री नई नई डिग्रियां होती हैं वो सब भी, मान लो आपने पीएचडी प्राप्त की है और आपके पास में एक प्रमाण पत्र भी है, पत्नी रूठ गई, तो क्या आप अपने प्रमाण पत्र को लेकर के जाएंगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूँ मेरी बात मान लो, मान जाएगी? सही नहीं मानेंगे, देख सब कह रहे नहीं मानेंगे। मैं बताऊं क्या होने वाला, क्या करने वाली है वो, आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, दस टुकड़े में फाड़ेगी और उसको डस्टबिन में फेंक देगी, वहां आपकी डिग्री काम आने वाली, काम आएगी आपकी विनम्रता, आपका प्रेम, आपकी ईमानदारी, आपने उसकी कमाई की ही नहीं है। इसलिए अदृश्य चीजों की भी कमाई करें, सत्संग उसी के लिए प्रेरित करता है। सत्संग जीवन निर्माण के बारे में बताता है, सुंदर जीवन जीने की कला सिखाता है, जो कुछ है उसे व्यवस्थित करने की बात कहता है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, अपने घर को, परिवार को, सब कुछ को व्यवस्थित करिए और जीवन को सुखमय जिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए शुभकामना है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जिए। सबको साहेब बंदगी साहेब।